ये दुख ये दर्द ये गम सब तेरे अंदर हैं, खुद के बनाए पिजड़े से बाहर निकल कर तो देख, खुद के बनाए पिजड़े से बाहर निकल कर तो देख, तू अपने आप में भी एक सिकंदर है। जय हिंद साथियों, स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो आज से दोस्तों हम 12th केमिस्ट्री के एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल को देखेंगे। इसकी हम एक प्लेलिस्ट भी बना देंगे और साथ ही इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में डेली शाम तक मिल जाएगी। तो चलिए यहाँ पर इस वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है विदाउट गेटिंग लेट, बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। बच्चों आप पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके दिखाई पड़ रहा होगा। कह रहा है कि एक घनीय संरचना वाला यौगिक ए तथा बी परमाणुओं से बना है, ए परमाणु घन के कोनों पर है तथा बी परमाणु फलक केंद्र पर है, तो यौगिक का सूत्र क्या है? बच्चों इस वीडियो को इन तक जरूर देख लेना, क्योंकि इसमें से एक न्यूमेरिकल तो फिक्स होता है, बस थोड़ा सा लॉजिक समझना है। अगर आप इसमें थोड़ा भी चालाकी करेंगे कि हम वीडियो भगा भगा कर देख लेंगे, तो डेफिनेटली आप बहुत सारी चीज़ों को मिस कर दोगे। इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना बच्चों, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों कि एक घनीय संरचना वाला, देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं, एक घनीय कह रहा है कि एक घनीय संरचना वाला, हमें पता है बच्चों अगर हम देखिए एक घन बनाएंगे, अगर हम एक घन बनाते हैं, यहाँ से हम मान लेते हैं छोटा सा हम घन बना दें यहाँ पर, है ना, एक घन बना दिए, क्या है एक ये क्यूब है, जैसे डाइस होता है ना पासा। अरे यार ये क्या बन रहा है इस तरह से, है इस तरह से हमने एक घन बना दिया। और इसमें सवाल क्या कह रहा, केवल यही समझना है। कह रहा है एक घनी संरचना वाला जो यौगिक है ए और बी परमाणु से बना है, जो ए है वो कहां पर है, घन के कोनों पर। तो इस घन में रसगुल्लों कितने कोने हैं, यहां पर कोने हैं बच्चों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 कोने हैं। तो कह रहा है कि जो परमाणु ए है वो घन के कोनों पर है तथा जो बी है वो फलक पर है। देखिए अब यहां से हमें समझना है कि घन के कोनों पर यानी एक कोने पर कितने परमाणु हैं, एक कोने पर एक हैं, एक कोने पर कितने हैं एक। तो यहां पर हम निकालेंगे कि ए परमाणु कहां पर है, घन के कोनों पर, घन के कोनों पर है बच्चों, इसलिए निकालेंगे यहां पर, तो निकालेंगे ए के परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या किसी एक बिंदु पर, चाहे यहां पर चाहे यहां पर चाहे जहां पर, किसी एक बिंदु पर निकालेंगे तो टोटल कितने हैं बच्चों, भाई टोटल कितने हैं, 8 हैं। अगर हम किसी एक पर निकालेंगे तो 1/8 × 8, अब 1/8 क्यों किया, तो भाई साहब ये क्या है, 8 भाग में से एक भाग है, 8 भाग में से एक भाग है, इसलिए 1/8 लिखा, दो भाग होता दो जगह का कहता तो हम 2/8 लिखते। तो बच्चों यहाँ से कितना आया, यानी यहाँ पर परमाणु की संख्या जो ए के परमाणुओं की संख्या हो गया वो कितना हो गया बच्चों, 1 हो गया। अब दूसरा क्या कह रहा है, जो बी है फलक केंद्र पर है, अब ध्यान से समझिएगा, जो फलक केंद्रित एकक घनीय कोष्ठिका होता है उसमें क्या होता है, ये तो आपके जो हैं फलक कितने हैं जरा ये बताइएगा, 1 फलक 2 फलक 3 फलक 4 फलक, पीछे 5 और आगे 6, लाइक दैट। जैसे कोई कमरा है, कोई कमरा है तो कितने फलक, एक ऊपर हो गया एक नीचे हो गया, एक इधर वाला एक इधर साइड का, एक आगे का एक पीछे का, तो इस तरह से आपके कितने फलक बन जाएंगे बच्चों, 6 फलक बन गए। तो यहां से फलक केंद्रित में क्या होता है, 6 फलक होते हैं, यानी 1/6 हो गया, और सॉरी 1/2 हो गया, 2 क्यों, क्योंकि फलक केंद्रित में विपरीत फलक पर 2 परमाणु होते हैं, तो यहां से विपरीत फलक पर 2 परमाणु होते हैं बच्चों, चाहे इस पे चाहे इस पे चाहे आगे चाहे पीछे,
इसलिए यहाँ पर निकालेंगे बी परमाणु। क्या कह रहा है? बी परमाणु कहाँ पर है? फलक केंद्र पर है। फलक केंद्र पर, जब फलक केंद्र पर होता है बच्चों, तो यहाँ से हम बी के परमाणु की संख्या कैसे निकालेंगे? परमाणु की संख्या, ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि बच्चों ये समझना कि जब भी बी के परमाणु की संख्या निकालेंगे, फलक कितना, जब फलक केंद्रित में होता है तो दो विपरीत फलक को लिया जाता है, एक बटे दो इसलिए करते हैं बच्चों, और उसके बाद टोटल फलक कितने होते हैं, छः फलक हैं, तो यहाँ से ये तीन आ गया और यहाँ से आ गया ये तीन। अब कह रहा है, कह क्या रहा है बच्चों, कह रहा है कि हमें यौगिक का सूत्र चाहिए। अब जरा ये बताइए, यम रेशियो, सॉरी यम लिख रहे हैं, ए बी दिया है ना, जरा ये बताइए बच्चों, ए है और बी है, जब ए बी है इनका रेशियो कितना निकाला आपने, एक रेशियो कितना, तीन, ठीक ना, एक अनुपात तीन आया। अब जब सूत्र निकालेंगे बच्चों, तो सूत्र में क्या लिख देंगे कि हाँ, एक ए है, एक का कितना है, एक है, बी है, बी का कितना है, तीन है, तो एक लिखा नहीं जाता, इसलिए डायरेक्ट इसको सूत्र को हम कैसे लिखते हैं, ए बी थ्री, ए बी थ्री, यही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, यही क्या हो जाएगा, इसका सूत्र, यानी यौगिक का सूत्र हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, यौगिक का सूत्र हो जाएगा। देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, जब भी आपका परमाणु कहेगा कोनों पर, तो कोनों पर आप एक परमाणु सदैव याद रखिए बच्चों, और जब भी फलक केंद्र पर कहेगा तो यहाँ पर आप याद कर लीजिए तीन परमाणु, तीन परमाणु, क्यों, क्योंकि भाई साहब तो एक तो जो फलक वाला होता है यानी घन के कोनों पर, उसको एक ले लेते हैं, और दो इसके विपरीत फलक पर होता है, इसलिए इसको टोटल तीन बोलते हैं। निकालेंगे कैसे, इस तरह से, एक बटे दो इसलिए किया गया कि वो विपरीत फलक है, यानी चाहे ऊपर नीचे का एक फलक ले लो, चाहे दाएं बाएं का, चाहे आगे पीछे का, और टोटल फलक छः हैं, इसलिए यहाँ पर छः लिख दिया। तो इस तरह से, अगर फलक केंद्र ना कहता, केंद्र अकेले यहाँ पर भी कहता, तो यहाँ पर भी हम एक ही लिख देते। अभी एक क्वेश्चन है आगे, उसको हम देखेंगे, बात समझ में आएगी रसगुल्लों। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके दिख रहा होगा, कह रहा है कि एक यौगिक दो तत्व ए तथा सॉरी यम तथा एन से बना है। ध्यान से समझिए, एक यौगिक है, वो दो तत्व M तथा N से बना है, और तत्व बच्चों कह रहा है कि जो N है वो CCP, CCP का मतलब ये क्या होता है, घनी निबिड़ संकुलन, ठीक, CCP संरचना बनाता है, और जो M के परमाणु हैं वो चतुष्फलकीय रिक्तियों के एक बटे तीन भाग को अध्यासित करते हैं। तो यौगिक का सूत्र, देखिए देखने में तो ऐसा लगेगा यार पता नहीं क्या पूछ रहा है, बट रसगुल्लों बहुत ही आसान है। अब चलिए हम इसका पोस्टमार्टम एकदम सिंपल तरीके से कर देते हैं, ताकि मेरे रसगुल्लों को कोई प्रॉब्लम ना हो इस न्यूमेरिकल में। देखिए इसमें कह क्या रहा है बच्चों, पहले समझिए, एक यौगिक दो परमाणु दो तत्व एम तथा एन से बना है, तत्व जो N है वो CCP संरचना बनाता है। अब देखिए समझ लीजिए, जब भी बच्चों CCP की बात आए, इसमें जो आपका N होता है, N को मानिए, ये क्या होता है, N ये होता है गोलों की संख्या, गोलों की संख्या, और निबिड़ संकुलन में बच्चों जो चतुष्फलकीय, इसमें जब रिक्ति बात की जाए, चतुष्फलकीय, जब भी चतुष्फलकीय रिक्ति की बात करें बच्चों, तो ये होता है केवल, और सॉरी यहाँ से चतुष्फलकीय रिक्ति की बात करता है जब भी, तो यहाँ पर चतुष्फलकीय रिक्ति निकालते हैं 2n, ठीक, जहाँ पर n क्या है, गोलों की संख्या, n बोले तो यहाँ पर हमेशा कितना, जो चतुष्फलकीय जब रिक्ति बनेगा तो चार गोलों का, ये इतना समझना। अब ये क्या है, ये एक प्रकार का आपका कॉन्सेप्ट है, समझ लीजिए याद करने वाली चीज है, इसी की मदद से हम सवाल लगाएंगे। जब भी सीसीपी में कहेगा इसमें जो एन है, ये नंबर साफ क्या होते हैं, जो भी आपके क्या कहते हैं, गोले होते हैं, स्फेयर, ठीक, तो गोलों की संख्या है, और इसमें जब भी गोलों की संख्या अकेले की बात कहेगा, तो समझ लीजिए एन है, और ये चतुष्फलकीय गोलों की संख्या कितनी, चार होती है,
चार होती है, और चतुष्फल की जब रिक्ति की बात कह दे तो उसी में दो का गुणा करा दीजिए, 2n यानी कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पर चार है तो 2 × 4 = 8 हो जाएंगे। अब सवाल में देखिए क्या कह रहा है, बहुत अब सवाल एकदम हलवा लगेगा। कह रहा है तत्व n CCP संरचना बनाता है, यानी जो n है, n निकालेंगे n के परमाणु की संख्या, n के परमाणु की संख्या निकालेंगे बच्चों, n के परमाणु की जब संख्या निकालेंगे रसगुल्लों, तो ध्यान से समझिएगा, हम बिना सोचे समझे चार लिखेंगे। वो क्यों लिखेंगे मेरे दोस्त, वो इसलिए लिखेंगे क्योंकि चतुष्फल की रिक्ति है, यानी क्या है, जो n के परमाणु हैं वो चार गोलों से मान लो बन रहे हैं, तो चार परमाणु हो गए इसलिए चार लिख दिया, और जो m के परमाणु हैं चतुष्फल की रिक्तियों के, यानी जो ये चार है ये n के स्थान पर है, ध्यान से समझिएगा, ये जो है बच्चों, ये जो n है ना, यहाँ पर लिख देते हैं n बराबर वो चार है, ठीक, तो ये n के परमाणुओं की संख्या कितना, चार, चार गोले हैं, चार परमाणु हो गया समझ लीजिए। उसके बाद कह रहा है कि जो m के परमाणु हैं, तो यहाँ पर निकालेंगे बच्चों m के परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या जब निकालेंगे दोस्त, तो m के परमाणु की संख्या जब निकालेंगे बच्चों, वो कह रहा है कि जो चतुष्फल की रिक्ति के, चतुष्फल की रिक्ति क्या है, 2n, 2n, n बोले तो चार अभी हमने बताया ना, क्या कह रहा है, m के परमाणु की जो संख्या है वो चतुष्फल की रिक्ति के, चतुष्फल की रिक्ति के 1/3 भाग को, चतुष्फल की रिक्ति क्या है बच्चों, तो चतुष्फल की रिक्ति के 1/3 भाग को बनाता, यही कह रहा है, m के परमाणु हैं, चतुष्फल की रिक्ति, चतुष्फल की रिक्ति क्या है कि क्या है, हाँ, चतुष्फल की रिक्ति के 1/3 भाग को, यानी इसके, अब यहाँ से वैल्यू रख दीजिए ना, 2n का मान 4 है और 1/3 कितना आया बच्चों, ये आ गया 8/3। अब यहाँ से निकालेंगे किसका, इसका रेशियो, ठीक है ना, रेशियो निकालेंगे m रेशियो n, तो यहाँ से निकल कर आएगा m का कितना, 8/3 है, अनुपात n का कितना है बच्चों, 4 है। देखिए जब भी इस तरह का हो, अगर इनको हम बराबर करेंगे, एक रेशियो के रूप में लिखना चाहेंगे, तो इसको हटाना है, अगर m रेशियो n लिखेंगे बच्चों, इसको हटाना है, 8/3 यहाँ जितना है उतना का गुणा करा दो, और इसमें भी भाई इस रेशियो है यहाँ पर, इसमें भी हम 3 का गुणा कराएंगे, ये से ये कट जाएगा, ये कितना आएगा, और ओफो ये तो कट गया, ये आएगा बच्चों 8 और इसमें आएगा कितना, 12। अब इसको काटना चाहेंगे, 4 × 8 = 4 = 12, तो यहाँ से जो m रेशियो n निकल कर आया वो आया कितना, 2 : 3। अब देखिए इतना रेशियो आ गया, अब सूत्र क्या हो जाएगा बच्चों, सूत्र क्या हो जाएगा, तो सूत्र यहाँ से हम देख लेते हैं, जो इसका सूत्र निकल कर आएगा दोस्त, वो निकल कर आएगा सूत्र आपका, देखिए m है, m के कितने परमाणु, 2, n है, n के कितने परमाणु, 3, तो m2n3, यही क्या हो जाएगा, इसका सूत्र हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए समझिए, थोड़ा थोड़ा समझने वाली बात है बच्चों, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, जब भी CCP आएगा, n यहाँ पर क्या होता है, गोलों की संख्या है, यानी जो परमाणुओं की, जिसे n के परमाणु पूछ ले, n के परमाणु, जैसे जरूरी नहीं n, mn है, ab है, कुछ भी पूछ ले, ab है, pq है, rs है, उसमें परमाणुओं की संख्या सदैव आप चार लिखेंगे बिना सोचे समझे, और जब भी चतुष्फल की रिक्ति की बात की जाए तो 2n, मतलब यहाँ पर जो n का वैल्यू होगा, एक प्रकार के यहाँ परमाणुओं की या गोलों की संख्या को बता रहा है, 2n रिक्ति होगा। सवाल में यही तो कहा था, जो n के परमाणु हैं वो, n के परमाणु तो आपको चार पहले से ही समझ लो, ये आपको याद करना है कि n के परमाणु चार हो गए, और जो m के परमाणु हैं वो चतुष्फल की रिक्ति का 1/3 भाग अध्याशित करते हैं, यानी घेरते हैं उसको, तो यहाँ से इनका रेशियो निकल कर आया, इस तरह से इसका सूत्र हो गया। तो सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और अब की साल ये पूछा गया था कि टंगस्टन का क्रिस्टलन काय काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, यानी BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, ठीक, BCC का फुल फॉर्म,
सवाल में क्या बोल रहा है कि टंगस्टन का क्रिस्टलन काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका यानी BCC के रूप में होता है। यदि एकल कोष्ठिका का किनारा 316.5 PM है यानी पिकोमीटर है तो टंगस्टन परमाणु की त्रिज्या क्या होगी। अब देखिए इसको कैसे लगाएंगे, इसको जानने से पहले बच्चों कुछ चीज़ें हम समझ लेते हैं, कुछ चीज़ें इसमें समझ लेते हैं, आपको कुछ चीज़ें याद करना है। अगर ध्यान देना, SCC कहा जाए यानी सिंपल क्यूबिक सेल, तब होता है त्रिज्या के लिए बच्चों फार्मूला R = a/2। उसके बाद जब BCC कहे, FCC लिख देते हैं, FCC बोले तो होता है R = a/2√2। ठीक, अब उसके बाद जब BCC बोले बच्चों तो R होता है कि होता है √3/4a। इतना आप याद रखिए। अब यहाँ से समझ लीजिए जो भी आपके होते हैं सारे के सारे बन गए, इसमें सभी बन गए। अब SCC कहेगा यानी सरल घनीय एकक कोष्ठिका कहेगा तो बच्चों आपको फार्मूला कौन सा लगाना है, तब त्रिज्या के लिए अप्लाई करना है R = a/2। R = a/2 कब, जब सरल घनीय एकक कोष्ठिका बोलेगा। जब दूसरा फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका कहेगा FCC, ठीक ना, FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, जब भी फलक केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका कहेगा तो R = a लगाना है। और जब कहेगा बच्चों BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, अभी जो सवाल में बोला है काय केंद्रित एकक घनी कोष्ठिका, तब R = √3/4a ये कहेगा। इसी की मदद से हम क्या निकाल पाएंगे, त्रिज्या, जहां a क्या है वो कोर की लंबाई है और r क्या है वो त्रिज्या है। तो हमें अप्लाई कौन सा करना है, ये वाला फार्मूला, क्योंकि सवाल में यही दिया है ना, सवाल में ही यही दिया है कि काय केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका के रूप में है। तो इसका मतलब बच्चों यहां से जो वैल्यू दिया है, सबसे पहले हम वैल्यू को लिख लेते हैं। इसमें दिया है कि कोष्ठिका का किनारा यानी a का मान दिया है 316.5 PM यानी पिकोमीटर। फिर आगे इसमें कह रहा है कि टंगस्टन परमाणु की त्रिज्या आर का मान निकालना है। तो भाई साहब इतने सिंपल है ना, हमने देखो तीनों इसीलिए लिख दिया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, चाहे जिस पे सवाल आए आप इजीली इसका पोस्टमार्टम कर दीजिए। ठीक, यहां से अब क्या फार्मूला लगाएंगे, लिखेंगे BCC के लिए। ठीक, R = क्या हो जाएगा बच्चों, R = √3/4a ये लगाएंगे फार्मूला। तो लिखेंगे R = √3/4a का मान है 316.5 picometer है ना, इसको काट दीजिए, 4 × 7 = 28 और 4 × 9 = 36 करके जाएगा, हाँ 1-2 इसमें जाएगा, ये मान लीजिए 7-9 पूरे में ये कट जा रहा है, तो इसको इतना ही रखिए, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन दिक्कत हो जाएगा। अब √3 का वैल्यू रख दीजिए 1.7321। अब उसके बाद ये कितना है, ये है कितना 79 हो, तो R = हो जाएगा बच्चों, इसका जब हम गुणा कराएंगे एक मिनट इसका गुणा देख लेते हैं, 1.7321 इसके बाद 79 ये जाएगा 137 आएगा, इतना ही रखिए, इतना त्रिज्या, देखो जब पिकोमीटर में है तो पिकोमीटर में ही रखिए। ठीक, तो इस तरह से क्या है, आप इनके लिए यानी SCC FCC या BCC कोई भी एक आए उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, त्रिज्या या कोर की लंबाई जो कुछ भी कहेगा बच्चों आप निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर चार, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पहले से मिलता जुलता है, लेकिन उसी क्वेश्चन के डाउट को क्लियर करने के लिए ये क्वेश्चन हमने पिक किया है। इसमें क्या कह रहा है, स्क्रीन पर देख लीजिए आप, कह रहा है एक घनी ठोस दो प्रकार के परमाणुओं A तथा B से बना है,
ए घन के कोनों पर है और बी केंद्र पर है। तो कह रहा है कि ठोस का सूत्र क्या होगा। देखिए दोनों में अंतर क्या, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अब यहां से कह रहा है कि एक घनी ठोस दो परमाणुओं क्या है ए तथा बी से बना है। अब इसमें बच्चों समझिए थोड़ा, ये वाला जो फिगर है उससे थोड़ा हटकर है, इसको समझिए। देखिए इसको देखिए पहले थोड़ा से यहां पर। अब इसमें देखिए, इसमें क्या कह रहा है, इसमें बोल रहा है बच्चों कि यहां पर ध्यान से समझिएगा, ए जो है घन के कोनों पर है, तो घन के कोने तो यही हो गए ना, घन के कोने भाई साहब इसमें कौन से हो गए, ये हो गए घन के कोने भाई। किसी एक पर कहेंगे तो टोटल 8 है, एक निकालेंगे तो 1/8 करेंगे जैसे पहले में किया था। लेकिन कह रहा है कि बी केंद्र पर, तो इसमें यानी पूरा ये क्या है, एक प्रकार का डाइस है, पासा है, क्यूब है, तो बच्चों इसमें केवल बीच में एक ही तो केंद्र होगा। इसमें केंद्र अगर हम कहेंगे इस कमरे का केंद्र, एक केंद्र तो एक ही होगा ना, हर जगह केंद्र हो ही नहीं सकता, उसका जो सबसे बीच वाला भाग होगा वही केंद्र कहलाएगा। तो इसमें बच्चों सवाल में क्या कह रहा है कि ए घन के कोनों पर है, ए कहाँ है, यह है घन के कोनों पर है। सवाल में घन दिया है, क्या किया दिया है, ठोस के कोनों पर है, कोई दिक्कत नहीं, ठोस के कोनों पर है। और कोनों पर है तो यहां पर हम निकालेंगे ए के परमाणु की संख्या, ए के परमाणु की संख्या निकालेंगे बच्चों। सेम वही कंडीशन इसमें होगा, 1/8 × 8, क्योंकि 8 यहां से कोने हैं और उसके बाद एक भाग का निकाल रहे हैं तो एक आ गया। दूसरा जो बी है, बी ठोस के कहां पर है बच्चों, केंद्र पर है। जब केंद्र पर है तो केंद्र पर निकालेंगे इसका, तो बी के परमाणु की संख्या निकालेंगे हम। बी के परमाणु की संख्या निकालेंगे बच्चों, तो हो जाएगा केवल एक। इसमें 8 वगैरह का गुणा या फिर 1/8 ऐसा कुछ करना नहीं है, क्योंकि केंद्र एक है तो एक है, बस बात खत्म। अब ए और बी का रेशियो निकाल लीजिए, ए बी बराबर हो जाएगा 1:1। जो यहाँ से अब सूत्र कह रहा है, सूत्र क्या हो जाएगा, ए पे 1 है, बी पे 1 है, तो अब लिखते नहीं हैं 1, तो इसका डायरेक्टली हम सूत्र लिखेंगे ए बी, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ए बी क्या हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद आज का सबसे ज़्यादा मज़ेदार क्वेश्चन जो है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम देख लेते हैं। पहले आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो चलिए बच्चों आज के सबसे मजेदार क्वेश्चन की तरफ हम रुख करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कह रहा है चांदी का क्रिस्टलीकरण FCC जालक में होता है। इसकी कह रहा, यदि इसकी कोशिका के कोर की जो लंबाई है वो 4.07 × 10⁻¹⁸ सेंटीमीटर है तथा घनत्व 10.5 ग्राम प्रति सेमी क्यूब यानी सेंटीमीटर क्यूब हो, तो चांदी का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा। काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार क्वेश्चन है, तो चलिए हमको इसको देख लेते हैं। और ये समझ लीजिए, ये आपका इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, क्योंकि ये जब भी आता है आपका लॉन्ग में यानी 3 नंबर में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे बच्चों, देखिए जब भी यहाँ पर घनत्व की बात, परमाणु द्रव्यमान की बात की जाए, तो उसके लिए फार्मूला होता है, उसके लिए फार्मूला होता है घनत्व के लिए, घनत्व के लिए ध्यान देना, घनत्व के लिए होता है बच्चों रो बराबर होता है जेड गुड़े एम अपान होता है ए क्यूब गुड़े एन सफिक्स ए। ये बच्चों होता है आपका घनत्व के लिए, इस चैप्टर में घनत्व के लिए ये आपका फार्मूला होता है। अब देखिए इसमें सब इसका हम सैंपल, कभी कभार देखो इसको केवल घनत्व का सूत्र ही पूछ लेता है और पूछता है कि उपयुक्त प्रतीकों के साथ लिखिए, यानी इसमें प्रतीकों का मतलब आपको समझाना होगा और यही घनत्व पूछ लेगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि इसमें कौन क्या चीज है। देखिए सबसे पहले जो रो है बच्चों वो क्या है, जेड क्या है, एम क्या है,
ए क्या है और एन सफिक्स ए यानी एन ए क्या है। ठीक, देखिए इसमें सबका मतलब क्या होता है, रो क्या है, घनत्व है, जेड क्या है बच्चों, ये है एकक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या, एकक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या है बच्चों। और उसके बाद एम क्या है, परमाणु द्रव्यमान है, एम क्या है बच्चों, परमाणु द्रव्यमान है। उसके बाद ए क्या है, कोर की लंबाई है, कोर की लंबाई है। अब जब ए क्यूब हो जाएगा तो वो घनत्व हो, सॉरी आयतन हो जाएगा। और एन सफिक्स जो क्या है, अवोगाद्रो संख्या है, अवोगाद्रो संख्या या एवोगाड्रो संख्या, अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए इसी में हम देख लेते हैं कि जो वैल्यू आपका कौन कौन सा वैल्यू दिया है बच्चों, उसी के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि इसमें कोर की लंबाई यानी ए का मान दे रखा है, ए का मान दिया है कितना बच्चों, ये दिया है 4.07 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर दिया है। और घनत्व दिया है, जो रो दिया है बच्चों वो दिया है आपका, ठीक, 10.5 सेंटीमीटर, सॉरी ग्राम प्रति सेमी क्यूब। आगे कह रहा है कि इसका परमाणविक द्रव्यमान निकालना है। तो देखिए जब भी एफसीसी में एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या कहे बच्चों, तो आपको याद रखना है चार, ठीक, चार ये याद रखिए, क्योंकि एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या कितना एफसीसी में होता है, चार होता है। अब उसके बाद यहाँ पर ये चीज़ तो नियत होता है, अवोगाड्रो संख्या कितना, 6.022 इंटू 10⁻², ठीक ना, ये कितना हो जाएगा, 6.022 गुणे 10⁻³, सॉरी -23 नहीं होगा, 23 होता है, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए इसमें क्या कह रहा है, चांदी का परमाणविक द्रव्यमान m का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो क्या करते हैं, इसी सूत्र की मदद से हमें m चाहिए। जब इस सूत्र को यहाँ इसका पक्षांतर करेंगे बच्चों, जब m बराबर हम लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा, m बराबर जब लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जब m बराबर हम ले जाएंगे तो ये इसका पूरा गुणा हो जाएगा, यानी ये रो हो जाएगा, गुणे ए क्यूब हो जाएगा, गुणे क्या हो जाएगा, अवोगाड्रो संख्या हो जाएगा बच्चों। और नीचे हो जाएगा कितना, नीचे हो जाएगा, हाँ नीचे ये जेड जाएगा, इस पे रखेंगे तो m बराबर हो जाएगा, रो कितना दिया है, घनत्व, घनत्व दिया है 10.5 गुणे, उसके बाद a क्यूब है, a परमाणुओं की मतलब कोर की लंबाई है 4.07 गुणे 10⁻⁸ का क्यूब है बच्चों। और यहाँ पर ये अवोगाड्रो संख्या 6.022 गुणे 10⁻³, अवोगाड्रो संख्या हो गया। और नीचे क्या है, परमाणुओं की संख्या, तो ये हो जाएगा 10.5 गुणे, ये आएगा देखिए 4×16×64, ये जाएगा लगभग 67 के करीब जाएगा, 67.12 जो भी आए, ठीक है ना। और उसके बाद ये 8×3×24, तीन बार है बच्चों, तो 10⁻²⁴ हो जाएगा। और गुणे कितना, 6.022 गुणे 10⁻³, और नीचे कितना आया, 4 है, ठीक है ना। अब इसका आप लोग गुणा करिएगा, ठीक, ये काम आपके लिए छोड़ रहे हैं कैलकुलेशन। वैसे इसका देखिए ये आएगा कितना, इसको हमने गुणा कराया है कि ये सब का गुणा जो आएगा वो 4200 कुछ आएगा, फिर जब 4 से भाग लगाएंगे तो 1065 या हाँ 1065 आएगा, ठीक। तो हम आंसर भी आपको बता दे रहे हैं, लेकिन ये काम अब आपको करना है, इसके आगे का आपको करना है, ठीक, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है बच्चों। अगर आप इसको नहीं सीखोगे तो आप बिल्कुल भी वहाँ पर एग्ज़ाम में उस तरह का प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। तो ये काम आपको करना है, बाकी हम आंसर बता देते हैं कितना आएगा। 1065 आएगा गुणे 10⁻³, एक घटाएंगे -1 आएगा, तो एक अंक इधर खिसकाएंगे तो 106.5 मान के चलिए आंसर हो जाएगा। आंसर भी बता देते हैं, लेकिन आप इसके आगे आप लोग कर लीजिए और इसको पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है ना, ये ज़रूरी है इसमें।
हो गया बच्चों, बस आज के इस वीडियो में इतना है। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि अब आज से हम केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल का शुरुआत कर चुके हैं। इसके बाद हम फिजिक्स के सारे टॉपिक्स और केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट रिएक्शन, क्या होता है जब अमोनिया बनाने की विधि और संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल बनाना, जो आपके 5 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, उन सब का भी पोस्टमार्टम करेंगे। तो मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।